रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी से जुड़े इतिहास को वैसे तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज हम इससे परे अलाउद्दीन खिलजी की बेटी और एक हिंदू राजकुमार की प्रेम कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। कैसे एक हिंदू राजकुमार की खातिर अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा ने अपनी जान दे दी थी। तो वीडियो में बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इतिहास के पन्नों में अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा और हिंदू राजकुमार वीरमदेव की प्रेम कहानी का जिक्र मिलता है। बताया जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात के सोमनाथ मंदिर को खंडित करने के बाद शिवलिंग को लेकर दिल्ली लौट रही थी, तभी जालौर के शासक कानड़ देव चौहान ने शिवलिंग को पाने के लिए मुगलों की सेना पर हमला कर दिया था। इस हमले में अलाउद्दीन खिलजी की सेना को हार का सामना करना पड़ा और अपनी जीत के बाद कानड़ देव ने उस शिवलिंग को जालौर में स्थापित करवा दिया। बताया जाता है कि जब अलाउद्दीन को अपनी सेना की हार का पता चला, तब उसने इस युद्ध के मुख्य योद्धा और कानड़ देव चौहान के बेटे वीरमदेव को दिल्ली बुलाया। कहा जाता है कि दिल्ली पहुंचने के बाद अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा की नजर राजकुमार वीरमदेव पर पड़ी और उसे पहली नजर में ही राजकुमार से प्यार हो गया। फिरोजा ने अपने पिता खिलजी से कहा कि वो राजकुमार से प्रेम करती हैं और उससे शादी करना चाहती हैं। आखिरकार अपनी बेटी के इस जीत के आगे अलाउद्दीन हार गया और उसने अपनी बेटी के रिश्ते का प्रस्ताव वीरमदेव के सामने रखा, जिसके बाद वीरमदेव ने वक्त की नजाकत समझते हुए इस रिश्ते पर विचार करने के लिए कहा, लेकिन जालौर लौटने के बाद इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। जब वीरमदेव ने अलाउद्दीन खिलजी की बेटी के रिश्ते का प्रस्ताव ठुकरा दिया, तब गुस्से में आकर अलाउद्दीन ने अपनी सेना के साथ जालौर पर हमला कर दिया। खिलजी वीरमदेव को बंदी बनाकर रखना चाहता था, उधर उसकी बेटी वीरमदेव के प्यार को पाने के लिए दिन रात तड़प रही थी। अलाउद्दीन ने एक बड़ी फौज तैयार करके जालौर भेजी और उसकी सेना से लड़ते हुए वीरमदेव वीर गति को प्राप्त हो गए। वीरमदेव की मौत की खबर सुनकर फिरोजा अंदर से बिल्कुल टूट सी गई और उसने यमुना नदी में कूद कर अपनी जान दे दी। दोस्तों, इतिहास की कुछ ऐसे ही रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।